नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका फ्रीडम एकेडमी में। और अब हम यहाँ पर बहुत ही बेसिक चीज़ों को सीखने के बाद आपके सामने वो सारी क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं जो एसएससी में कई बार पूछे गए हैं। एक तरीके का क्वेश्चन चार चार पांच पांच बार पूछा गया है, तो हम वो सारे क्वेश्चंस इस सीट में डिस्कस करने वाले हैं, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, वो सारी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए आपको सीट में अवेलेबल होंगे, आपको सीट में मिल जाएंगे। और उससे जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, वो उनके जितने भी टाइप्स हैं, वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद उन क्वेश्चन के बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करिए, जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज, किसी भी बिंदु का प्रतिबिंब। यदि मैं आपसे कहूं कि किसी बिंदु का प्रतिबिंब क्या होता है और प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है, मान के चलिए भाई जब हम इमेज की बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि भाई इमेज किस में बनेगी। इमेज आपको पता है यहाँ पर दर्पण में बनेगी, एक मिरर में बनेगी। और मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा गया होगा। सपोज दैट मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया, इस ऑब्जेक्ट को प्लेस किया मैंने यहाँ से डी डिस्टेंस पे, ठीक है, डी दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। अब अगर मैं आपसे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो आपको बचपन का याद रहा होगा कि यहाँ से यदि मैं इस ऑब्जेक्ट की इमेज की बात करूँगा तो जहाँ से दर्पण, जहाँ पर दर्पण लगाया गया है, जहाँ पर मिरर लगाया गया है, उस मिरर से उतनी ही डिस्टेंस पर इसकी इमेज बन रही होगी जितना कि ये ऑब्जेक्ट इस मिरर से डिस्टेंस रखता है ना। तो यानी यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, यहाँ पर कोऑर्डिनेट की जितनी भी इमेज बनेंगी, वो सभी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस होंगी कि आपको ये समझना है कि किसी भी बिंदु का प्रतिबिंब, यानी जिस एक्सिस के साथ या वाई एक्सिस के साथ या किसी पर्टिकुलर कंडीशन के साथ रिफ्लेक्शन अगर हम बना रहे हैं, तो आपको केवल एक बेसिक चीज़ याद रखनी है, जितनी दूर ऑब्जेक्ट रखा गया है उस ऑब्जेक्ट की जितनी डिस्टेंस मिरर से है उतनी ही डिस्टेंस यहाँ पर मिरर से किसकी रहेगी, आपके यहाँ पर उस पॉइंट के इमेज की रहेगी, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे जो बेसिक कंडीशंस हैं वो सारी कंडीशंस एक तरफ से लेके चलते हैं, ठीक है। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज दैट मैंने आपसे कहा ये यहां पर आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिया, ये आपका ओरिजिन है, ये आपका मूल बिंदु। मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक पी बिंदु लिया, सपोज दैट उसके कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए 5.4, ठीक है। इसका मतलब ये है 5.4 एक बिंदु है, एक पॉइंट है। सपोज दैट हम अजूम कर लेते हैं 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है, यहाँ कहीं पोजीशन रही होगी 1, 2, 3 और 4। अप्रॉक्स हमने मान लिया किस पॉइंट की जो पोजीशन है वो यहां कहीं रही होगी, ठीक है ना। अब मैं आपसे कहूं कि भाई इस पॉइंट की इमेज बनानी है आपको। जब भी आपसे प्रतिबिंब की बात करेगा तो भाई प्रतिबिंब के लिए दर्पण चाहिए आपको, इमेज चाहिए, वो सॉरी एक मिरर चाहिए। अब मिरर हो सकता है कि आप यहां पे लगा दें, वाई एक्सिस के साथ प्लेस कर दें, हो सकता है कि मिरर आप यहां पे लगा दें, हो सकता है कि आप मिरर यहां पे लगा दें। तो हम सबसे पहले जो बेसिक इमेज बनती हैं उनकी बात करें कि भाई यहाँ पर जो आपका क्वाड्रेंट है, जो चतुर्थांश है, उस चतुर्थांश में प्रतिबिंब की क्या क्या स्थिति हो सकती है। तो मैं केवल एक पॉइंट ले रहा हूँ और इसी पॉइंट की जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो अधिकतम संभावनाएँ हैं, वो सारी लेते हैं। अगर मैंने बात की होती यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन बना रहा हूँ मैं, सपोज दैट फर्स्ट कंडीशन की बात करें जहाँ पर मैंने कहा एक्स एक्स के साथ प्रतिबिंब, ठीक है,
इमेज विद एक्स एक्सिस, ठीक है, इमेज विद एक्स एक्सिस। तो आपको पता है कि जब हम यहां पर एक्स अक्ष के साथ प्रतिबिंब बना रहे हैं तो आप यहां पर मिरर लगा रहे होंगे, और जब आपका दर्पण यहां पर लगाया गया होगा तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो इमेज है वो, अगर ये आपका दर्पण है, ये आपका मिरर है, इस तरीके से ये मिरर बन रहा है, तो इसकी इमेज इसके कहां बन रही होगी, पीछे की तरफ बन रही होगी। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है 5.4 एक निर्देशांक है, 5.4 एक कोऑर्डिनेट है, इसका एक्स एक्सिस के साथ प्रतिबिंब क्या होगा, इमेज क्या होगी। तो आप देख पा रहे हैं कि इस बिंदु का जो रिफ्लेक्शन है वो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, जो प्रतिबिंब है कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा उसमें हमें पता है कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो हमें पॉजिटिव ही रहे मिलेगा, लेकिन अगर मैं वाई कोऑर्डिनेट की बात करूं, चूंकि वाई नीचे की तरफ जा रहा है तो वाई आपका निगेटिव होगा, तो 5.-4। पहली कंडीशन क्लियर हुई कि किसी भी बिंदु का अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया गया है, प्रथम चतुर्थांश में दिया गया है, और मैं आपसे कहूं कि इसका प्रतिबिंब क्या है, तो आप देखेंगे कि एक्स अक्ष के साथ अगर प्रतिबिंब की बात की गई है तो यहां पर दर्पण कौन बना है, दर्पण यहां पर एक्स एक्सिस बना है, और यदि ये मिरर का काम कर रहा है, ये दर्पण का काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि रिफ्लेक्शन हमेशा मिरर के पीछे की तरफ बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर ये जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट होंगे 5.-4। क्लियर हो पा रहा है? यदि मैंने आपसे कहा होता सेकंड कंडीशन की बात करता, दूसरी बाई अक्ष के साथ प्रतिबिंब, अगर मैं वाई एक्सिस के साथ इमेज की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं कि जब हम वाई एक्सिस के साथ इमेज की बात करेंगे तो मिरर कौन बनेगा, यहां पे मिरर बनेगा वाई एक्सिस। इसका मतलब यह है कि ये आपका दर्पण है, इसके सामने ये ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसकी इमेज रिफ्लेक्ट होके कहां आएगी, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगी। और जब इमेज सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगी तो आपको पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट आपका नेगेटिव हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट तो आपका कैसा रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो अगर मैं आपसे कहूं 5.4 का वाई एक्सिस के साथ प्रतिबिंब क्या है, तो आपका आंसर होता वाई एक्सिस के साथ यहां पर इमेज क्या है, आप जल्दी से बता दीजिए, -5.4 होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अब यहां पर किसी भी पॉइंट की एक तीसरी कंडीशन और हो सकती है, अगर मैं आपसे कहूं थर्ड कंडीशन, सामान्यतः जनरली जब भी क्वेश्चन बनता है वो जनरली जब क्वेश्चन की बात करता है तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दो कंडीशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे, या तो एक्स एक्सिस के साथ की बात करेगा कि एक्स एक्सिस के साथ इमेज क्या है, दूसरा वाई एक्सिस के साथ इमेज क्या है, तीसरा ओरिजिन के साथ इमेज क्या है, यानी मूल बिंदु के साथ प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जब हम थर्ड कंडीशन की बात कर रहे हैं तो इमेज आपको 5.4 की बनानी है, लेकिन जो आपको मिरर प्लेस करना है वो ओरिजिन पे करना है, यानी यहां पर जो दर्पण का काम करेगा, मिरर का काम करेगा, वो कौन करने वाला है, ओरिजिन करने वाला है। इसका मतलब ये है कि दर्पण यहां लगाया गया है, ऑब्जेक्ट यहां है, तो रिफ्लेक्शन कहां आएगा आपका, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और जब हम ओरिजिन के साथ इमेज बना रहे होंगे, ओरिजिन के साथ इमेज, तो ओरिजिन के साथ इमेज क्या हो जाएगी भाई, आपको पता है कि ये क्वाड्रेंट का रिफ्लेक्शन कहां आने वाला है, प्रथम चतुर्थांश का जो रिफ्लेक्शन है वो आपका कहां आएगा, तृतीय चतुर्थांश में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि एक्स भी नेगेटिव और आपका वाई भी नेगेटिव, यानी इसके जो कोऑर्डिनेट है वो -4 हो रहे होंगे, -5.-4 हो रहे होंगे। इतना आप आसानी से समझ पा रहे। अब यहां पर जो एसएससी में क्वेश्चन आए, अधिकतर पूछे गए हैं, वो किसी लाइन के साथ इमेज की कंडीशन और भी पूछ ली है। अब मैं उस कंडीशन को भी, फोर्थ जो कंडीशन है उस कंडीशन को भी क्लियर कर लेता हूं। ठीक है, सपोज दैट इसी एग्जांपल की बात कर रहे हैं हम, अगर इसी एग्जांपल में मैं आपसे कहूं वाई इक्वल्स टू -2, इसका मतलब क्या है,
जब भी हम y इक्वस टू माइनस टू की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये x अक्ष के समांतर रेखा है, पैरेलल लाइन है। अगर मैंने आपसे कहा होता कि x एक्सिस के पैरेलल लाइन क्या है तो आप यहाँ पर दो कंडीशन बनाते, y इक्वस टू प्लस माइनस से बनाते। अब यहाँ पर यदि मैंने आपसे कहा कि भाई y इक्वस टू माइनस टू, इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी लाइन है, ये एक ऐसी रेखा है जिसका हर एक बिंदु y इक्वस टू माइनस टू देता है। अगर मैंने आपसे कहा कि y पर माइनस टू कहाँ है तो हमने मान लिया 1, 2, ये आपका दो यूनिट है। अगर हम इस बिंदु से इस तरीके से एक पैरेलल लाइन बना दें तो आप देख पा रहे हैं कि हर जगह जो डिस्टेंस है वो 2 है, हर जगह डिस्टेंस है वो आपकी 2 है। तो यानी ये जो लाइन है वो y इक्वस टू माइनस टू की लाइन कहलाएगी। क्यों कहलाएगी? क्योंकि इस लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे सब पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें जो y निर्देशांक है वो आपका क्या हो रहा होगा? माइनस टू हो रहा होगा। सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है। अब मैं आपसे कहूं कि इस 5, 4 का यहाँ पर y इक्वस टू माइनस टू के साथ इमेज क्या है, यानी चौथी कंडीशन। अधिकतम जितने भी क्वेश्चन अभी तक के SSC की हिस्ट्री में बने हैं वो केवल और केवल इन चार संभावनाओं से बने, या तो x एक्सिस के साथ इमेज, या फिर y एक्सिस के साथ इमेज, या फिर यहाँ पर ओरिजिन के साथ इमेज, और मैक्सिमम जो क्वेश्चन बने हैं वो कोई एक गिवन लाइन का, कोई भी लाइन दी गई है उसका एक इक्वेशन दिया गया है और उसके साथ इमेज की बात की गई। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम देखते हैं कि y इक्वस टू माइनस टू के साथ 5, 4 आपका P एक पॉइंट दिया है, इस बिंदु का y इक्वस टू माइनस टू के साथ इमेज क्या है। तो आपको पता है कि यदि ये आपका मिरर है भाई, इसके साथ अगर हम प्रतिबिंब बना रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है वो आपका एक दर्पण का काम कर रही है, एक इमेज का काम कर रही है। अगर ये इमेज का काम कर रही है तो हमें ये देखना होगा कि यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है यानी ये जो बिंदु है वो इस लाइन से कितनी दूरी पर स्थित है। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई ये वाली जो डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, तो आपका जवाब क्या होगा? ये आपका y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, तो ये कितना है आपका? 4 है। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई यहाँ पर ये चीज़ बताइए कि आप ये वाली डिस्टेंस कितनी है, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये डिस्टेंस कितनी है तो आपका आंसर क्या होगा? कि ये जो डिस्टेंस है वो आपकी 2 के बराबर है, क्योंकि ये जो लाइन है वो 2 यूनिट नीचे है, तो मैंने कहा ये 2 है ना। समझ पा रहे? अब यदि मैं आपसे कहता कि इस लाइन से इस पॉइंट की टोटल डिस्टेंस क्या है, तो आपका आंसर होता 4 ये और 2 ये, टोटल कितना है? 6 है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये y एक्सिस यानी ऊपर की तरफ कितनी दूरी पर है, तो आप कहेंगे कि ऊपर की तरफ टोटल 6 डिस्टेंस के बराबर है ना। आप देख पा रहे हैं कि ये आपका 4 था और ये 2 था, तो टोटल यहां से अगर हम इस डिस्टेंस की बात करें तो टोटल आपका कितना है? 6 यूनिट पर है। अगर ये आपका मिरर है, ये दर्पण है, तो इसका मतलब ये है कि इसके बैकवर्ड में जो इमेज बन रही होगी वो भी कितनी दूरी पर बन रही होगी? 6 यूनिट डिस्टेंस पे बन रही होगी। बस आप सभी को यही कॉन्सेप्ट समझना है कि ये जो मिरर है यहाँ पर, इस मिरर से जो इमेज बन रही होगी, जो प्रतिबिंब बन रहा होगा, वो कितनी दूरी पर बन रहा होगा? 6 डिस्टेंस पर बन रहा होगा। आसानी से समझ पा रहे हैं? अगर यहाँ पर कोई बिंदु मैंने ऐसा लिया जो इस पॉइंट से यानी y इक्वस टू माइनस टू से अगर 6 दूरी रखता है, कितनी दूरी रखता है? 6 दूरी रखता है। अगर 6 दूरी रखता है तो इसका मतलब ये है कि 6 ये था, अगर मैं बात करता इसकी तो ये 2 ये था, तो टोटल अगर x एक्सिस की बात करूं, अगर कोऑर्डिनेट की बात करूं, तो आपको पता है कि यहां पर ये जो निर्देशांक है इधर हम y लिखेंगे, इधर हम x लिखेंगे। क्या यहां पर x पर कोई फर्क पड़ेगा? क्या कोई x पे फर्क पड़ेगा? यहां पर x की डिस्टेंस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पर क्या ये दूरी आपकी कम हो रही है? ये डिस्टेंस में कोई चेंज आ रहा है? नहीं आ रहा है। आपका यहाँ पर जब इस डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो आपका 5 ही रहने वाला है। यहाँ पर चेंज किस में आ रहा है? जब हम ऊपर नीचे की बात करेंगे, जब निर्देशांक यहाँ से यहाँ तक, कोऑर्डिनेट आपका यहाँ से यहाँ तक रिफ्लेक्ट हो रहा होगा,
तो x चेंज नहीं हो रहा, बल्कि चेंज क्या हो रहा है आपका, केवल y चेंज हो रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि y यहां पर कितनी दूरी पर है, y आपका यहां से इस लाइन से आपको 6 दूरी पे बनाना पड़ेगा। 6 दूरी पे क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो बिंदु है, वो आपका 6 यूनिट पे है। तो अगर ये 6 यूनिट पे है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपको 6 चाहिए, जबकि 2 तो आपका ऊपर था, समझ पा रहे ना, 2 ऊपर था। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहां से लेके यहां तक काउंट करूं तो टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी बन रही है, 6 ये बन रहा है, 2 ये बन रहा है, तो 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया, है ना भाई, 2 ये और 6 ये, तो टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी हो गई, 6 और 2 8 हो गया। अब 8 ये हो गया, लेकिन चूंकि नीचे की तरफ था, है ना, y एक्सिस से, सॉरी x एक्सिस से नीचे की तरफ था, तो इस वजह से यहां पर जो अगर हम साइन लेंगे तो वो क्या लेंगे, -8 लेंगे। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि 5 और 4 का y इक्वल्स टू -2 के साथ प्रतिबिंब क्या है। ठीक है, चलिए हम एक एग्जांपल और लेते हैं, ताकि उसके बाद हम सीट पे आएंगे और सीट पे सीधा प्रोजेक्टर से हम जल्दी जल्दी आपको इमेज रिफ्लेक्ट करेंगे और जल्दी से हम मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल और क्लियर करता हूँ, ताकि आपको ये इमेज का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन पूछे हैं। हाँ, आगे के वीडियो में हम आपको वो सारी चीज़ें भी बताने वाले हैं जो अभी तक की हिस्ट्री में एसएससी ने नहीं पूछी हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो आगामी परीक्षाएं हैं, जो नेक्स्ट एग्जाम्स हैं, उन एग्जाम्स में वो सारी चीज़ें पूछ ली जाएं। क्योंकि अभी तक अगर हम यहाँ पर थर्ड वीडियो की बात करें, तो थर्ड वीडियो में इस इमेज के बाद में लेके आने वाला हूँ आपके लिए डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, और डिस्टेंस फार्मूला सेक्शन फार्मूले के साथ में आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स, बहुत सारी ऐसी आकृति हैं जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएंगे, आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सी आकृति है कौन सी नहीं है। तो जब भी हम यहाँ पर थर्ड वीडियो, तो थर्ड वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, और जो फोर्थ वीडियो होगा, फोर्थ वीडियो में आप देखेंगे वहाँ पर सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल, यानी त्रिभुज के केंद्र, और उस त्रिभुज के केंद्र में अभी तक एसएससी की हिस्ट्री में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एसएससी के इतिहास में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो अभी तक सिर्फ और सिर्फ केंद्रक को लेके पूछे गए हैं, लेकिन हम यहाँ पर केंद्रक यानी सेंट्रॉइड भी पढ़ेंगे, और आपका ऑर्थो सेंटर भी पढ़ेंगे, और यहाँ पर इन सेंटर भी पढ़ेंगे, और आपका यहाँ पर सरकम सेंटर भी पढ़ेंगे, यानी जितने भी आपकी पॉसिबिलिटीज़ होंगी वो सारी पॉसिबिलिटीज़ क्वेश्चन के साथ, किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा वो हम लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए हम एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। सपोज दैट मैंने आपको एक कोऑर्डिनेट दे दिया -3, -5। ठीक है, -3, -5। अब अगर मैं आपसे कहूं, पहला क्वेश्चन पूछूं, -3, -5 कौन सा क्वाड्रेंट है, तो आप बड़ी आसानी से जवाब देंगे कि सर यहां पर x भी नेगेटिव है और आपका y भी नेगेटिव है, और जहां पर x और y दोनों नेगेटिव होंगे वो आपका कौन सा क्वाड्रेंट होने वाला है। हम यहां पर मान लेते हैं कि एक निर्देशांक आपका -3 और -5 रहा होगा। ठीक है, P आपका एक पॉइंट है, जिसकी हम बात करें कि भाई P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो -3, -5 है। अगर मैं पहला क्वेश्चन करूं आपसे कि इस बिंदु का x एक्सिस के साथ इमेज क्या है, तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा, सर x एक्सिस तो आपका क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। तो अगर ये दर्पण है तो इसकी इमेज कहाँ बननी चाहिए, इस बिंदु की इमेज कहाँ बनेगी, ऊपर की तरफ बनेगी। अगर मैंने आपसे कहा पी एक निर्देशांक है, तो इसका एक्स एक्सिस के साथ इमेज विथ, एक्स एक्सिस के साथ इमेज क्या बनने वाली है, जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग, क्योंकि ये यहां पर ये मिरर का काम कर रहा है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जाएगा यानी सेकंड क्वाड्रेंट होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या बनेगा ये पॉइंट, -3, -5 पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई वाई एक्सिस के साथ, क्योंकि आपको पता है ये वाई वाई डैश है, ये आपका एक्स एक्स डैश है, सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये आपका फर्स्ट हुआ। सेकंड क्वेश्चन अगर मैंने पूछा कि वाई एच के साथ प्रतिबिंब क्या है, तो मिरर कौन बनेगा,
वाई एक्सिस बनेगा। अगर ये मिरर है तो इसकी इमेज कहाँ जाएगी, कौन सी क्वाड्रेंट में जाएगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, एक्स, चूंकि धनात्मक दिशा है, एक्स की हम पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं, वाई की नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब हम वाई एक्स के साथ, वाई एक्सिस के साथ जब इसकी इमेज बना रहे होंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे, जहां पर एक्स तो पॉजिटिव होगा, तो यानी एक्स क्या हो जाएगा आपका 3, लेकिन वाई कैसा होगा, वाई आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, अब यहां पर एक पॉसिबिलिटी और बनी, कौन सी, इमेज विथ ऑरिजिन, है ना, मूल बिंदु के साथ प्रतिबिंब। तो जब मूल बिंदु के साथ प्रतिबिंब बना रहे हैं, इसका मतलब मिरर कहां प्लेस करना है आपको, मिरर ओरिजिन पर प्लेस करना है। तो जब दर्पण यहां लगाया तो जब आईने में चेहरा दिखेंगे तो कहां दिखेगा, सामने ही तो दिखने वाला है, तो यानी यहां पर आपका इमेज बन रहा होगा। इसका मतलब यह है कि इसका जो रिफ्लेक्शन है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा होगा। ठीक है, थर्ड का आपका आंसर बना इमेज विथ ओरिजिन। ठीक है, इमेज विथ ओरिजिन, ओरिजिन के साथ आपकी इमेज क्या बनने वाली है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी 3.5। ठीक है ना, अब यहां पर एक बेहतरीन एक एग्जांपल, एक चौथा पार्ट और बना लेते हैं हम यहाँ पे। देखो चौथा पार्ट हम बना रहे हैं। अब मैंने आपसे कहा यदि आपने वाई इक्वस टू 2 ना लेते हुए, मैंने आपसे कहा एक्स इक्वस टू 2 ले लीजिए। यदि मैं आपसे कहूं कि एक लाइन ड्रॉ करिए एक्स इक्वस टू 2, तो इसका मतलब यह है कि उस लाइन की कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, उस लाइन पर जितने भी बिंदु हैं उन सभी बिंदु पर, उन सभी पॉइंट पर एक्स का मान क्या है, 2 के बराबर है। किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो इसका मतलब यह है कि वो जो लाइन है वो किसके बराबर पैरेलल हो रही होगी, वो आपके वाई एक्सिस के पैरेलल हो रही होगी। तो वाई एक्सिस के पैरेलल, और चूंकि एक्स यहां पर मान दिया गया, मैं यहां पे मान लेता हूं ये आपका 2 यूनिट है, तो ये हमने मान ली x बराबर 2। कई सारे जो नई नई तैयारी करते हैं, जो लोगों ने पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ा होता, वो इस चीज में कंफ्यूज होते रहते हैं कि हमें कब x एक्सिस के पैरेलल बनाना है और कब y एक्सिस के पैरेलल बनाना है। तो मैं एक बेसिक छोटी सी बात बता देता हूँ, सभी को पता होगा वैसे। मान के चलिए मैंने आपसे कहा ये एक प्लेन है, ठीक है, अब इस प्लेन में देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। यदि मैं आपसे कहूं बाई इक्वस टू प्लस माइनस ए, इसका मतलब यह है कि ये दो रेखाएं दी हैं, एक तो दिया है बाई इक्वस टू ए और एक दिया है आपको बाई इक्वस टू माइनस ए। एक ही वैल्यू आप एग्जांपल के तौर पे कुछ भी ले सकते हैं, सपोज दैट मैंने 3 ले ली, है ना। तो इसका मतलब यह है कि यदि बाई का मान आप 3 लें और बाई का मान आप माइनस 3 लें, दोनों अलग अलग रेखाएं हैं, लेकिन इन दोनों अलग अलग रेखाओं की स्थितियां भी अलग अलग होंगी। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक ऐसी लाइन है जिसकी कॉमन प्रॉपर्टी है वाई इक्वस टू 3, यानी एक ऐसी रेखा बनानी है जिसके हर बिंदु पर वाई निर्देशांक आपका धनात्मक रूप से कितना हो रहा हो, 3 हो रहा हो। तो इसका मतलब ये है कि हमें वाई एच की धनात्मक दिशा में चलना है, तो अगर हमें वाई एच की धनात्मक दिशा में चलना है तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे और यहाँ पर पैरेलल होगा किसके, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो यदि कभी भी वैल्यू वाई के बराबर कोई भी कांस्टेंट दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि वाई बराबर अगर प्लस माइनस से कोई भी वाई के बराबर कांस्टेंट दिया गया है तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, और एक्स के इक्वल में एक्स बराबर ए हो सकता है, एक्स बराबर माइनस ए हो सकता है। यहां पर भी मैं 3 ले लेता हूं, यहां पर भी मैं माइनस 3 ले लेता हूं। तो एक्स इक्वल टू अगर प्लस माइनस ए है तो इसका मतलब ये है कि वो आपका वाई एक्सिस के पैरेलल बनना होगा, और वाई बराबर प्लस माइनस ए है तो इसका मतलब वो एक्स एक्सिस के पैरेलल बनना होगा। उल्टा याद रखना है, आपको आसानी से याद हो पा रहा होगा कि अगर मैं आपसे कहूं वाई इक्वस टू 3, इसका मतलब क्या है, आपको एक ऐसी लाइन बनानी है जिस लाइन पर हर बिंदु पर स्थित वाई के निर्देशांक 3 हो रहे हो। मैंने आपसे कहा कि भाई ये 3 है, यहां पर ये वाली डिस्टेंस 3 है, ये भी 3 है, तो इस पे जितने भी बिंदु हैं सब पे वाई का मान कितना है, 3 है। तो बाई की एक कॉमन प्रॉपर्टी हो गई बाई इक्वल टू 3, तो यानी ये किसके पैरेलल है, एक्स के पैरेलल है, लेकिन किस दिशा में पैरेलल है, ऊपर की तरफ, पॉजिटिव। अगर यहीं पर मैं वाई इक्वल टू -3 बना रहा होता, इसका मतलब ये है कि आपको एक ऐसी लाइन बनानी है
ऐसी एक रेखा बनानी है जिसके हर बिंदु पर, हर पॉइंट पर y का मान कितना आ रहा हो, -3 आ रहा हो। तो आपको पता है कि आपने क्या किया यहाँ पर, ये 3 डिस्टेंस पर नीचे की तरफ एक x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बना दी। तो आपको पता है कि हर जगह यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, कितनी दूर है, 3 यूनिट पे है। तो जितने भी यहाँ पे पॉइंट बन रहे होंगे सबका जो बाई कोऑर्डिनेट आ रहा होगा वो आपका -3 आ रहा होगा। अच्छे से समझ में आया ना। अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर कि x क्या है, अगर ये x आपका पॉजिटिव लेना है तो क्या आपका बाई इसके साथ पैरेलल बनेगा या इस दिशा में पैरेलल बनेगा। अगर x पॉजिटिव है तो आपको पता है कि इस तरीके से हमें लेना है, जहाँ पर हर जगह डिस्टेंस कितनी बन रही हो, 3 बन रही हो। समझ पा रहे ना। तो ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है वो x इक्वल्स टू 3 की है, लेकिन अगर मैं यहीं पर y एक्सिस के पैरेलल इस तरफ बना दूं तो ये x इक्वल्स टू -3 की है। समझ पा रहे ना। अगर x इक्वल्स टू -3 है तो ये लाइन इस तरफ जाएगी, अगर x इक्वल्स टू +3 है ये लाइन आपकी इस तरफ जाएगी। क्लियर हो पाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर जो एग्जाम्पल लेके चल रहे थे उस एग्जाम्पल में ये डिस्कस कर रहे थे कि x बराबर 2, तो x इक्वल्स टू 2, x बराबर 2 किसके पैरेलल होगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर मैंने कहा होता y इक्वल्स टू 2 किसके पैरेलल होता, x एक्सिस के पैरेलल होगा। x इक्वल्स टू 2 इसका मतलब क्या है, x की पॉजिटिव डायरेक्शन में ये हमने लाइन ले ली, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि भाई 3, -5, अब आपसे कहा गया है कि ये जो मिरर है वो कौन बनेगा, वो बनेगा आपका x इक्वल्स टू 2 बनेगा, है ना। अभी तक हम यहाँ पर मिरर का काम कर रहे थे, वो x, y या फिर ओरिजिन को कर लेके चल रहे थे, लेकिन अब आपको मिरर किसे बनाना है, इस लाइन को बनाना है, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ इस ऑब्जेक्ट की यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितनी है, यानी ये दूरी क्या है, ये x डिस्टेंस है। अगर मैं आपसे कहता कि भाई ये चूंकि -3, -5 है, इसका मतलब ये है कि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 3 के बराबर। क्या आप यहां पर इस डिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या, जब भी आपकी इमेज बनेगी तो आपको पता है कि इस दर्पण के सामने यानी यहां कहीं बनेगी, तो यानी इसके बाई कोऑर्डिनेट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब भी अगर हम यहां पर बाई के पैरेलल कोई लाइन बना रहे हैं और इसके साथ इमेज बना रहे हैं तो इसकी पोजीशन इसके जस्ट सामने जा रही है ना। तो यानी ये वाली डिस्टेंस तो आपकी फिक्स है और ये डिस्टेंस क्या है, ये आपका बाई कोऑर्डिनेट है। समझ पा रहे ना। ये जो दूरी है वो क्या है, ये जो गैप बन रहा है वो आपको पता है कि बाई की वजह से बन रहा है, ये आपका बाई निर्देशांक है। तो यहाँ पे बाई तो फिक्स रहने वाला है, बाई में कोई चेंज नहीं होगा। तो बाई आपका कितना रहेगा, बाई आपका रहेगा -5। क्लियर हुआ ना। चलिए अब हमें यहां पर जो वैल्यू निकालनी है वो वैल्यू किसकी निकालनी है, x की निकालनी है। अब मैंने कहा ये दूरियां कितनी है, है ना, ये दूरी की बात कर रहे हैं अपन, उस दूरी की बात नहीं कर रहे जो सही जाए ना, है ना। अपन यहां पर देख रहे हैं कि -3 और -5, ठीक है। तो अब यहां पर -3 यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस 3 थी, तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं आपसे कहूं ये वाली डिस्टेंस कितनी थी तो आपका आंसर होता सर ये 2 थी, है ना। तो अब यहां से लेके अगर मैं इस इमेज के बात करूं कि इस पॉइंट की इस दर्पण के साथ टोटल डिस्टेंस कितनी है, 3 + 2 यानी कितनी है, 5 है। इसका मतलब यह है कि यहां पर इसकी जो इमेज बन रही होगी, जो यहां पर प्रतिबिंब बन रहा होगा, उस प्रतिबिंब की दूरी भी कितनी होनी चाहिए, 5 के बराबर होना चाहिए। एग्जैक्टली आप सभी को समझ में आया होगा कि अगर मैं यहां से इस दूरी की बात करता हूं तो ये भी 5 होना चाहिए। तो अगर मान के चलो ये डिस्टेंस 5 है, ये 5 है, तो अगर मैं आपसे कहता कि भाई अगर आप x कोऑर्डिनेट बनाने वाले हैं तो वो तो आपका ओरिजिन के साथ बनना चाहिए, और ये वाली केवल डिस्टेंस कितनी हो गई, 5 हो गई, और जबकि ये वाली कितनी है, 2। तो अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूं यहां से यहां तक तो वो कितनी हो गई, 7 हो गई। इसका मतलब ये है कि जो x निर्देशांक है वो आपका कितना बनेगा, 7 बनेगा, ठीक है। तो यहां से हमें मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटीज थी वो सारी पॉसिबिलिटीज बहुत अच्छे से समझ में आई। अब हम वो क्वेश्चंस यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं, और उसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस आपको डिस्कस करने के लिए मिलेंगे, और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आपको सीट में
जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे उपलब्ध हैं, तो आप उन्हें डाउनलोड करिए, हमारी वेबसाइट पे जाइए और वेबसाइट पे जो आपको यहाँ पर पीडीएफ अपलोड की गई है उसकी लिंक आपको आसानी से उपलब्ध होगी। चलिए हम डिस्कस करते हैं आगे क्वेश्चन।